SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में शहाबुद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट का उद्घाटन हिना साहब स्वयं अपने हाथों से फीता काट कर की हैं। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं सबसे पहले SN Live पर। ये हम आपको तस्वीरें सिवान के राजेंद्र स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां शहाबुद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट का उद्घाटन हिना साहब ने अपने हाथों से स्वयं फीता काट कर किया है। आपको बता दें कि हिना साहब और सिवान सदर विधायक औध बिहारी चौधरी अपने लौह लश्कर के साथ सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचे थे। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का 1 मई को दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद से हिना साहब इद्दत में चली गई थी। आपको बता दें कि आज पहली बार शहाबुद्दीन टूर्नामेंट का उद्घाटन हिना साहब ने अपने हाथों से फीता काट कर किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले हिना साहब इद्दत के बाद पहली बार कैमरे के सामने आई हैं और हम आपको एक्सक्लूसिव फोटेज दिखा रहे हैं सबसे पहले SN Live पर। आपको बता दें कि सिवान सदर औध बिहारी चौधरी और हिना साहब दोनों आदमी सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचे हैं लोग, और शहाबुद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट का उद्घाटन हिना साहब ने अपने हाथों से फीता काट कर किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से हिना साहब के साथ औध बिहारी चौधरी और उनके लौह लश्कर भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद पहली बार हिना साहब कैमरे के सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव फोटेज आप देख रहे हैं सबसे पहले SN Live पर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SN Live।